वाराणसी के निजी होटल में रोटरी क्लब वाराणसी सिवाय का चौथा पदभार ग्रहण समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद सिंह को निवर्तमान अध्यक्ष राहुल सिंह तथा नवनिर्वाचित सचिव जयराम त्रिपाठी को निवर्तमान सचिव गौरव सिंह ने पदभार सौंपा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीजीए आशुतोष अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में एजी मीना सिंह भी उपस्थित रही। मुख्य अतिथि ने रोटरी क्लब वाराणसी सिवाय के द्वारा किए गए कार्यों की काफ़ी सराहना की। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। मैं सर अपना पूरा परिचय बताएं। प्रमोद कुमार सिंह, रोटरी क्लब वाराणसी सिवाय अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण ले रहा हूं। आज यह हमारा क्लब का चौथा इंस्टॉलेशन है। कौन है यहाँ मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि रोटेरियन डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल जी हैं, जो अगले 25-26 का गवर्नर भी है। ये जो आप पद ग्रहण करने जा रहे हैं, ये चुनाव होता है या नहीं, किस तरीके से? ये हमारे क्लब के सभी लोग मिलके चुनते हैं। अध्यक्ष का चुनाव होता है, एक साल के लिए होता है। तो क्या कहना चाहते हैं? मैं रोटेरियन राहुल सिंह, रोटरी क्लब वाराणसी सिवाय का पास प्रेसिडेंट। और आज जो है पद ग्रहण समारोह है, नए लोग चुन के आ रहे हैं, उनको क्या शुभकामना देना चाहेंगे? नई टीम मेरी बड़ी एक्सपीरियंस और बड़ी जोशीली है। हर तरफ से इन लोगों का फुल सपोर्ट जो है पूरी टीम को मिलेगा। और नए अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह जी और हमारे जो सचिव हैं जयराम त्रिपाठी जी को जो है मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और पूरे टीम के साथ हम लोग काम करेंगे। मैं जयराम त्रिपाठी, मैं इस क्लब का रोटरी क्लब वाराणसी सिवाय का सेक्रेटरी हूं। मैं इस वर्ष मैं सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुआ हूं। सर आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहां पे हो रहा है? आज हमारा चौथा इंस्टॉलेशन है, जिसमें पद ग्रहण समारोह बेसिकली होता है। हम में से सारे मेंबर में से अध्यक्ष और सचिव चुने जाते हैं, और मेरे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि मैं आज सचिव के पद पे नियुक्त हुआ हूं। सर आगे आपके लिए काफी चुनौतियों भरा दिन रहेगा, इसलिए कि नई जिम्मेदारी मिली है, तो जिम्मेदारी निभाना आपको कैसे है वो सारी चीजें? देखिए चुनौतियां वहां होती हैं जहां पे आपकी टीम कमजोर हो। हमारी टीम इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि कोई भी चुनौती आएगी हम उसे ऐसे ही हरा देंगे। तो